व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक एसपी सिटी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के निर्देशन में पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए उसके निस्तारण का प्रयास किया गया। बैठक में व्यापारियों ने भीड़ भाड़ क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने, पुलिस पैकेट बढ़ाने, व्यापारियों की सुरक्षा किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर अपने सुझाव साझा किए, जिस पर एसपी सिटी ने उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। गोरखपुर न्यूज से बातचीत करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा और एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। पच्चीस साल में लगता है 25 साल मल्टी स्टोरी एक मोहल्ले के बराबर है। सर अपार्टमेंट बढ़ गया है, जो अपार्टमेंट बन रहे हैं एक अपार्टमेंट में 400-300-400 फ्लैट सब बढ़ गए हैं। 300-400 अभी जो समस्त व्यापारी बंधुओं की यहाँ पे मीटिंग हुई है, उनसे उनकी समस्याओं से अवलोकित हुआ गया है और उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए उनको हम लोगों ने नोट किया है और उन सुझावों को जितना संभव हो सके हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और यातायात व्यवस्था संबंधित विचारों पर बिंदुओं पर विचार किया गया और जो भी यातायात संबंधित सुविधाएँ हम लोग देंगे। व्यापारिक सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन होने के बाद हर महीने पुलिस अधिकारियों की व्यापारिक बंधुओं के साथ, इनके जो भिन्न भिन्न व्यापार मंडल हैं, इनके पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ता, इनके साथ मीटिंग की जाती है, इनकी समस्याओं को सुना जाता है और समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, उनके सदस्य उपस्थित थे, उन लोगों ने कुछ समस्याओं को बताया है, उस पर मनन किया गया है, आपसी विचार विमर्श हुआ है और उस समस्या का समाधान कराने की मिलजुल के कोशिश की जाएगी। मेन मुद्दा अतिक्रमण का था, कुछ जगह खुले में शराब पीने की बातें आई हैं और अतिक्रमण के मुद्दे पे बात हुई है कि इस पर मिल बैठ के नगर निगम है, जिला प्रशासन है, GDA हैं, इस पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाए। कुछ रास्ते हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहां वन वे कराने के लिए प्लानिंग की जा रही है, लेकिन इस पर सारे लोगों के साथ मिलकर बैठक करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।